हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल लर्नर्स क्लब फ्रेंड्स टुडे वे डिस्कस फोनोलॉजी फोनोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ स्टोरिकल लिंग्विस्टिक इट इज़ कंसर्ड विद द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम और द साउंड पैटर्न ऑफ द पार्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि जो फोनोलॉजी होता है वो सब फील्ड होता है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का इसमें हम स्टडी करते हैं साउंड सिस्टम के बारे में और साउंड पैटर्न के बारे में एक पार्टिकुलर लैंग्वेज के यानी इसमें हम बेसिकली ये चीज़ पढ़ते हैं जो वर्ड्स हम सुन रहे होते हैं उनके मीनिंग हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उनके मीनिंग्स भी हम इसमें स्टडी करते हैं फोनोलॉजी में कि वर्ड हमें किस तरह कंसीडर किया जा रहा है हम समझ रहे हैं वर्ड को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या नहीं ये हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं उसके बाद टाइप्स होते हैं इसके सेगमेंटल फोनोलॉजी एंड सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी सेगमेंटल फोनोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड फोनीम एंड एलोफोन एंड साउंड पैटर्न सेलेबल यानि हम इसमें स्टडी करते हैं फोनीम के बारे में सेलेबल के बारे में और साउंड पैटर्न सेलेबल के बारे में फोनीम क्या होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे फोनीम कहते हैं उसके बाद हमारे पास आता है एलोफोन एलोफोन इज अ फोनेटिक वेरिएशन डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड द एलोफोन यानी कि जो एलोफोन होता है वो फोनेटिक वेरिएशन होते हैं दो फॉर्म्स के दरम्या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉप टॉप उसके बाद आता है सेलेवर ऑफ़ वर्ड्स यूनिट होते हैं वर्ड्स के नेवर फर्दर डिडेड जो मज़द डी मतलब की तकसीम नहीं की जा सकती है वर्ड जो यूनिट होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम देखे जाएँ तो इंट्रोडक्शन हमारे पास इसके पास एग्जाम्पल आ रहा है उसके बाद आता है नंबर टू पे सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी इट इज़ स्टडी अबाउ द लेवल सेगमेंटल एज यूज ऑफ द एंटोनेशन स्ट्रेस यानी कि ये जो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी होता है ये सेगमेंटल के ऊपर वाले लेवल पे होता है यानी इसे बड़े लेवल का होता है जैसे इसमें ब्राडेड चीज़ पढ़ते हैं एंटोनेशन के बारे में स्ट्रेस के बारे में और इसमेंशनस के बारे में नब, एंटोनेशन क्या होता है अप एंड डाउन ऑफ द दा पिच ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड्स यानी कि जो अल्फाज होते हैं उनके उतार चढ़ाव को एंटोनेशन कहते हैं एंटोनेशन के पा हमारे पास दो टाइप्स है नंबर वन है हमारे पास राइजिंग स्टार और राइजिंग एंटोनेशन पिच इज ए राइज यानी कि जो पिच होता है ऊपर लेवल होता है बढ़ जाती है यानी आवाज़ के चढ़ाव ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी ये कह रहे हैं कि वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी देखिए आप इसमें अब ये बढ़ रहा है आवाज़ पे थोड़ा रोज स्ट्रेस दी जा रही है टी देख रहे हैं आप ये आवाज़ थोड़ा राइज होती जा रहा है इसका वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी ये लास्ट वर्ड को आप देखिए इस पर हम थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हैं इसको बढ़ रहा है इसकी साउंड और नंबर टू पे हमारे पास आता है फॉलिंग एंटोनेशंस यानी पिच इज़ डाउन यानी जो पिच होते हैं डाउन हो जाती है लो हो जाती है जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए पुट इट डाउन यानी कि जो पुट इट डाउन होता है यानी कि जो इसके देखो अब पुट इट डाउन ये फोन अब लेस कर रहे हैं डाउन कर रहे हैं सर सिमलेशन क्या होता है चेंज इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फोनीम ड्यू टू इट्स नेबर फोनीम्स यानी कि जो ये चेंजिंग कर देती है प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देता है किसकी वजह से अपने करीबी फोनीम्स की वजह से एग्जाम्पल के, के तौर पे देखा जाए तो दिस शॉप दिस शॉप दिस शॉप ये दो ऐसे एक इधर से ख़त्म हो रहा है यानी एक ही या आवाज़ बन रहा है आप सुन नहीं दिस शॉप दिस शॉप उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेस फोर्स ऑन अ वर्ड्स वर्ड्स के ऊपर हम क्या करेंगे फोर्स करेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो गुड 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 फोर्स लगा रहे हैं वर्ड्स पे हम थैंक यू फॉर वाचिंग सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए